सात ऐसे मूवीज जिनको देख के आप स्टॉक मार्केट और फाइनेंस की दुनिया को और बारीकी से समझ सकते हैं। और इस लिस्ट में पहला मूवी है इनसाइड जॉब और दूसरा मूवी है द बिग शॉट। और ये दोनों मूवीज 2008 के हाउसिंग क्राइसिस को एक्सप्लेन करते हैं और कुछ लोग गिरते मार्केट का फायदा उठा के कैसे प्रॉफिट्स कमाते हैं उसको भी इन दोनों मूवीज में दिखाया गया है। और इस लिस्ट में तीसरा मूवी है कैपिटलिज्म अ लव स्टोरी। और इस मूवी में कैपिटलिस्टिक सिस्टम के बारे में बताया जाता है और इस सिस्टम को समझ के उसके अकॉर्डिंग काम करने वाला कैसे अमीर बनता है उसको इस फिल्म में दर्शाया गया है। और उसके बाद फोर्थ मूवी है द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, जो एक स्टॉक ब्रोकर जॉर्डन बेलफोर्ड की स्टोरी है, जिसमें यह दिखाया गया है कि कैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को पेनी स्टॉक्स में फंसाया जाता है। और उसके बाद फिफ्थ मूवी है द विजर्ड ऑफ लाइज, जो एक अमेरिकन स्टॉक ब्रोकर और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बर्नी मैडॉफ के ऊपर आधारित है, जिन्होंने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के नाम पे हिस्ट्री का ही वन ऑफ द लार्जेस्ट पोंजी स्कैम चलाया था, जो अराउंड 64.8 बिलियन डॉलर्स का फ्रॉड साबित होता है। और उसके बाद सिक्स्थ मूवी है घफला और सेवेंथ वेब सीरीज है स्कैम 1992। और ये दोनों ही इंस्पायर्ड है हर्षद मेहता के स्टोरी से, जो हर्षद मेहता के राइज एंड फॉल को एक्सप्लेन करते हैं। और वहां पर ये भी दिखाया जाता है कि कैसे शॉर्ट टर्म में बड़े इन्वेस्टर्स मार्केट को कैसे ऊपर ले जाते हैं और नीचे गिराते हैं। और इन सारे मूवीज के अलावा कुछ और भी मूवीज है जो आप देख सकते हैं, जैसे कि मार्जिन कॉल, द बिग बुल, द वॉल स्ट्रीट और बाजार। और इनमें से आपका फेवरेट मूवी कौन सा है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं।